हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन ऑटो कार। जब तक ब्रेजा का आया था मार्केट में फेसलिफ्ट, तब तक लोगों का पूरा पूरा कंफर्मेशन थे कि भाई हमें ब्रेजा लेनी है, और लोग दीवाने हो गए थे ब्रेजा के लुक के, भाई फ्रंट के भी और रियर के भी। भाई इंटीरियर तो जबरदस्त कर ही दिया था, बिल्कुल अपग्रेड कर दी थी, ये था उसका फेसलिफ्ट। भाई जैसे ही जब आए उन्होंने लॉन्च कर दिया ना मारुति वालों ने ये हमारी फ्रॉक्स, तो भाई लोगों को ना मतलब कन्फ्यूजन होकर रेट हो गया, क्योंकि ब्लेनो और ब्रेजा के बीच में क्लियर कट था कि भाई हमें ब्लेनो लेनी है या अपनी ब्रेजा लेनी है। पर जैसी फ्रॉक्स घुस गई बीच में, तो अब लोग कन्फ्यूज हो चुके हैं भाई कि हम फ्रॉक्स लें या ब्रेजा लें। तो भाई सिंपल से मैं एक अगर शॉर्ट मिनी मतलब एक वर्ड में अगर ये बात क्लियर करना चाहूँ, तो सिंपल से समझ लीजिए जो ब्रेजा है वो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, और जो अपनी फ्रॉक्स है वो एक एसयूवी नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं एक एसयूवी, तो अपनी आंखें बंद करिए और अपनी ब्रेजा ले लीजिए। पर अब मैं उनके लिए बताने वाला हूँ जो लोगों को कन्फर्मेशन है कि उनको एसयूवी लेनी है या क्रॉस ओवर लेनी है, क्योंकि फ्रॉक्स एक क्रॉस ओवर है। तो उनके लिए वीडियो होने वाली है कि मैं उनको पूरा क्लियर करूँगा कि भाई वो ब्रेजा लें या अपनी क्रॉस ओवर फ्रॉक्स लें। तो वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो बात करते हैं ये कन्फ्यूजन क्रिएट क्यों हुई कि फ्रॉक्स और ब्रेजा के बीच में। अब भाई इसलिए हुई क्योंकि जो इनकी जो प्राइसिंग है ना बिल्कुल मिलती जुलती है, मतलब ज़्यादा बहुत बड़ा फ़र्क नहीं दिख रहा है लोगों को। जैसा कि देख सकते हैं कि ब्रेजा का जो शुरू होता है ना 8,29,000 से लेके ये 13,98,000 तक की पहुंच जाती है एक्स शोरूम प्राइस, और फ्रॉक्स जो शुरू होती है 7,46,000 से लेके ये 13,13,000 तक की पहुंच जाती है। यानी कि अगर मैं बात करूँ सिर्फ 83,000 तक का, मतलब देखिए 83,000 से लेके 85,000 तक का फ़र्क हमें मिल रहा है इसमें अपग्रेड करने का। यानी फ्रॉक्स थोड़ी सी हमें कम मिल रही है, 85,000 मतलब 83,000 या 85,000 रुपये शॉर्ट देंगे तो वो आपको फ्रॉक्स मिल जाएगी, यानी कि उससे एक्सेस है थोड़ी सी ज़्यादा, बस इतने अमाउंट का फ़र्क है। इसी वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इनका ब्रेजा का कौन कौन सा वेरियंट कितने का आ रहा है और फ्रॉक्स का कैसा कैसा कितने का आ रहा है, ठीक है। तो देखो प्राइस की बात तो अलग रही, अब लेकिन इनकी बात करते हैं डायमेंशन की, तो डायमेंशन में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता हमें। लेंथ देख सकते हैं, लेंथ बिल्कुल बराबर है, विड्थ हमें थोड़ी ज़्यादा मिलती है 25 mm की ज़्यादा मिलती है ब्रेजा में, और हाइट भी हमें 135 mm की ज़्यादा मिलती है ब्रेजा में, ठीक है। हाइट की वजह से ना आपको हेडरूम ज़्यादा अच्छा मिलता है, और फ्रॉक्स में हेडरूम थोड़ा सा कम हो जाता है हाइट की वजह से, जैसे कि ना 135 mm की फ्रॉक्स में कम मिलती है हाइट। और व्हील बेस भाई सिर्फ 20 mm का ज़्यादा है अपना ये फ्रॉक्स में, जिसकी वजह से देखो आपको ना लेग रूम नी रूम अच्छा खासा मिलने वाला है फ्रॉक्स में। और ग्राउंड क्लियरेंस में सिर्फ 8 mm का फ़र्क है सिर्फ, जो ब्रेजा मिल जाता है 198 mm का, और जो फ्रॉक्स मिलता है हमें 190 mm का। तो इनकी जो डायमेंशन है वो भी ज़्यादा डिफर नहीं करती है, मतलब लगभग सेम ही है, सिर्फ हाइट को छोड़ के अगर हाइट में देखें तो हाइट में थोड़ा ज़्यादा फ़र्क दिखाई देता है, क्योंकि भाई वो ब्रेजा जो है ना वो एसयूवी है, फ्रॉक्स जो है वो क्रॉस ओवर है। और बात करते हैं इनके टर्निंग रेडियस, तो ब्रेजा का जो है ना टर्निंग रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, और वहीं हमें 4.9 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है फ्रॉक्स में। तो मतलब ये देख रहे हैं कितना कम टर्निंग रेडियस में आराम से कंफर्ट ड्राइविंग हमें देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं वेट की, तो भाई 1,145 किलो से लेके 1,220 किलो तक की हमें ब्रेजा मिलती है, और उसकी मिलती फ्रॉक्स मिलती है हमें 965 किलो से लेके 1,055 किलो तक के बीच में हमें मिल जाती है। और टायर भाई दोनों में ही 16 इंच का देखने के लिए मिलता है, रूफ रेल हमें दोनों में ही देखने के लिए मिल जाती है फ्रॉम द बेस वेरिएंट। अब बात करते हैं इंटीरियर में आपको क्या क्या मिल जाता है। देखिए ब्रेजा के भी जो लोअर वेरियंट है उसमें आपको इंफोटेनमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता, फ्रॉक्स में भी सेम है, इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया जाता है। 7 इंची का डिस्प्ले के साथ सेम इंफोटेनमेंट जो है ना सिस्टम वो प्रोवाइड किया जाता है अपना VXI ZXI में ब्रेजा में, और सिग्मा फ्रॉक्स में किया जाता है भाई डेल्टा से। अब देख रहे हैं 7 इंची का, 9 इंची का आपको ना टॉप एंड वेरियंट में, दोनों के टॉप एंड वेरियंट में मिल जाता है। अब बात करते हैं भाई सनरूफ एक बहुत बड़ा मैटर हो सकता है कई कई लोगों के लिए, क्योंकि कई लोग ना गाड़ी को जो अपग्रेड करना चाहते हैं सनरूफ की वजह से ही। तो भाई ब्रेजा में आपको सनरूफ मिलती है वो भी टॉप एंड वेरिएंट में, और यहाँ पर फ्रॉक्स में आपको किसी भी वेरिएंट में लोअर से लेकर टॉप एंड में कहीं भी आपको सनरूफ देखने के लिए नहीं मिलती है। और बात करता हूँ जो HUD डिस्प्ले की यानी हेड अप डिस्प्ले की, वो आपको दोनों वेरिएंट में टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाती है। बात करता हूँ बूट स्पेस की, तो 328 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है ब्रेजा में, और फ्रॉक्स से मिलता है 308 लीटर का। इंजन की ब्रेजा में ना 1.5 लीटर का K15C यानी कि उसमें एक ही इंजन प्रोवाइड होता है, लेकिन फ्रॉक्स में हमें एक बेनिफिट मिल जाता है जो हमें 1.2 लीटर का K सीरीज का इंजन देखने के लिए मिलता है नॉन टर्बो, और एक 1.0 लीटर का अपना टर्बो बूस्टर जेट इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि डेल्टा प्लस से शुरू हो जाता है मिलना, ठीक है। तो ये इसमें हमें ऑफर होता है कि इसमें एक अच्छी चीज़ है कि हमें दो इंजन मिल जाते हैं देखने के लिए, और इसकी जो मैक्सिमम पावर जो जनरेट करता है ना पेट्रोल में ब्रेजा 100 PS की,
और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है ब्रेजा अपनी पेट्रोल में, ठीक है। और फ्रॉन्क्स की बात करूँ तो वहाँ फ्रॉन्क्स में ना हमें थोड़ा सा पावर कम देखने के लिए मिलती है, 89 PS की और 113 न्यूटन मीटर का हमें टॉर्क भी कम देखने के लिए मिलता है, पर ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है भाई। मतलब लगभग आप देख रहे हैं पावर इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी अगर प्रैक्टिकली चलाएंगे देखने में। अब बात करते हैं, देखो CNG का ऑप्शन तो हमें फ्रॉन्क्स में मिलता नहीं है, लेकिन ब्रेजा में हमें CNG का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये चीज़ है। CNG के आप सुन लीजिए फिर भी पावर 8 PS की मिल जाती है ब्रेजा में, और टॉर्क जनरेट करता है 121.5 न्यूटन मीटर का। तो फ्रॉन्क्स में तो CNG का ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें हम बात ही नहीं कर सकते उसकी तो फिर। और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भाई आपको ब्रेजा में सबसे ज़्यादा मिलती है 48 लीटर की, और फ्रॉन्क्स में आपको 37 लीटर की अपना फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और CNG टैंक की बात करूँ तो 55 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी के साथ में आपको ब्रेजा में मिलता है, लेकिन फ्रॉन्क्स में आपको वहाँ पर CNG का भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसके लिए भी बात करना बेकार है। और बाकी दोनों ही ब्रेजा और फ्रॉन्क्स में आपको 5 स्पीड गियर मैनुअल में और 6 ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है। तो बात करता हूँ माइलेज की, देखिए ब्रेजा में ना हमें पेट्रोल के मैनुअल वेरियंट में देखने के लिए मिल जाता है 20 किलोमीटर पर लीटर का, और वहीं फ्रॉन्क्स में ना दो इंजन है, तो दोनों इंजन की बात करते हैं 21.79 किलोमीटर पर लीटर का नॉन टर्बो और 21.5 किलोमीटर टर्बो बूस्टर जेट में देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें ना माइलेज थोड़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है मैनुअल में, और ऑटोमेटिक की बात करूँ तो ब्रेजा में भाई ऑटोमेटिक मिलती है 20 किलोमीटर पर लीटर की, और फ्रॉन्क्स में वहाँ पर नॉन टर्बो में 22.89 किलोमीटर पर लीटर का मिलता है, जहाँ पर ना मतलब ऑटोमेटिक में भी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर मैं टर्बो बूस्टर जेट की बात करूँ तो वहाँ पर फ्रॉन्क्स में आपको लगभग ब्रेजा जैसा ही 20.5 किलोमीटर पर लीटर का देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अब CNG में जो अवेलेबल है ब्रेजा, तो उसमें 25.5 किलोमीटर आपको पर केजी के हिसाब से मिल जाती है बाइक। तो फ्रॉन्क्स में ना हमें ऑल ओवर माइलेज ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, पर अभी फ्रॉन्क्स जब अगर आएगी ना तो अपने इसमें CNG में तब की तब बात की जाएगी, अभी हमारे पास कोई फिगर ऐसी है नहीं। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर की, तो भाई देखो ब्रेजा का अभी जो नया फेसलिफ्ट वेरिएंट आया उसका तो कोई भी क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है, पर अगर हम बात करते हैं इसके प्रीवियस वेरिएंट की, प्रीवियस जनरेशन की, तो वहाँ पर देखो वो 4 स्टार लेके आई थी, और यहाँ पर फ्रॉन्क्स का भी क्रैश टेस्ट होना है तो वहाँ पर कहना बेकार है। लेकिन अगर इसकी बॉडी का लुक और जो मैंने वॉकराउंड रिव्यू किया हुआ है उसके हिसाब से अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो 3 स्टार तो एटलीस्ट लेके आ सकती है, ठीक है। और दोनों में ही हमें 2 एयरबैग देखने के लिए मिल जाते हैं, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर, ESP, हील होल्ड असिस्ट, ये फ्रॉम द बेस वेरिएंट हमें देखने के लिए मिल जाता है अपने ये दोनों में ही। अब देखिए ब्रेजा जो है वो अभी CNG में अवेलेबल है और फ्रॉन्क्स अभी CNG में अवेलेबल नहीं है, सबसे माइनस पॉइंट तो हमारा यही बन जाता है। अगर आप CNG देख रहे हैं तो आप ब्रेजा पे आराम से जा सकते हैं, फ्रॉन्क्स आप छोड़ सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, फ्रॉन्क्स जो है वो एक लुक जनरेट करता है अपने ग्रैंड विटारा की तरह, मतलब ग्रैंड विटारा किसी के बजट से बाहर है और आप ग्रैंड विटारा चाह रहे हैं, ग्रैंड विटारा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, तो सबसे बेस्ट हो जाती है आपके लिए फ्रॉन्क्स। देखो अब बात करते हैं ब्रेजा के प्रॉस की और कॉन्स की, तो भाई बता दूँ इसकी जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई ज़्यादा है फ्रॉन्क्स से, तो इसमें जो पीछे जो है ना आराम से 3 बंदे बिल्कुल कम्फर्टेबली बैठ जाते हैं भाई आराम से, ठीक है। तो कंफर्टेबल राइड क्वालिटी मिल जाती है हमें, और इसमें HUD डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, रूफ भी देखने के लिए मिल जाती है हमें, ये इसके कुछ प्रॉस हैं। और इसमें CNG इंजन भी देखने के लिए मिल जाता है, हमें CNG का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। कौन से भाई यही है कि इसका इंटीरियर क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती थी, ठीक है, और इंजन जो है इसका मतलब थोड़ा सा और अच्छा किया जा सकता था जो अच्छी सी माइलेज प्रोवाइड कर सके, तो इसके ये ब्रेजा के मैंने प्रॉस और कॉन्स बताए। तो बात करते हैं भाई फ्रॉन्क्स के प्रॉस की, देखिए प्रॉस के बारे में बता दूँ, देखिए ये देखने में तो बिल्कुल ज़बरदस्त लगती है, अगर कोई देखेगा ना एक झलक पर तो उसको लगेगा भाई कि ये ग्रैंड विटारा खड़ी हुई है, प्रॉपर SUV लगेगी उसको देखने में भाई, प्रॉपर लुक है, ज़बरदस्त लुक है, नया वेरियंट है, एकदम प्रीमियम लुक दिखाई देता है पूरा, आगे से ग्रिल वगैरह सब कुछ एकदम सही चीज़ देखने के लिए मिल जाती है, और स्पेसियस भी अच्छा खासा है इसमें, जो स्मॉल फैमिली के लिए सबसे ज़बरदस्त हो जाती है। अब इसमें तीसरी चीज़ जो सबसे अच्छी मिलती है भाई, जो दोनों इंजन है इसके नॉन टर्बो और टर्बो बूस्टर जेट, वहाँ आपको दोनों में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है ट्रांसमिशन में, आपको 9 इंची का टच स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगा, क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ये भी एक अच्छा ऑफर देखने के लिए मिल जाता है। पर जो नेगेटिव भी आते हैं, मतलब कॉन्स की बात करूँ तो कॉन्स में आता है भाई इसकी जो स्लोपिंग रूफ लाइन है जो, वो भाई पीछे की जो सीट मतलब पैसेंजर है ना उनके हेडरूम खा जाती है, इसकी जो स्लोप लाइन है उसकी वजह से ना पीछे का हेडरूम कम हो जाता है, एक तो वैसे ही इसकी हाइट थोड़ी सी कम है,
और ऊपर से ये जो रूफ लाइन जो कम कर दी है ना पीछे से, रूफ लाइन जा रही है स्लोपिंग में, उसकी वजह से हेडरूम थोड़ा सा कम हो जाता है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। ये एक थोड़ा सा हमें पॉइंट लगता है कि ये थोड़ा सा एक इसका कॉन्स पॉइंट है, मतलब नेगेटिव पॉइंट है। और इसमें देखो सनरूफ नहीं मिलती है हमें, ठीक है, और वेंटिलेटर सीट नहीं मिलती देखने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने बताया आपको। आई होप कि आपको आपको डिसीजन लेने में आसानी हो गई होगी कि आपको ब्रेजा लेनी चाहिए या अब क्रॉन्स लेनी चाहिए। तो अब बात करता हूँ मैं अपनी राय की, तो सिंपल सा है भाई, अगर आप SUV ढूंढ रहे हैं इतने कम बजट में तो सिंपल सा है, आप ब्रेजा की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और अब बात करता हूँ, देखो मेरी राय की सिंपल सी है भाई, आपको ना फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रॉन्क्स एक प्रीमियम गाड़ी है, अंदर से भी बाहर से भी आपको पूरा प्रीमियम फील कराती है और लग्जरी गाड़ी देखने में लगती है, आपको लगेगा कि आप ग्रैंड विटारा चला रहे हैं। तो भाई ये थी मेरी राय, बाकी आप मेरी राय में इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपनी राय अपनी कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर होते तो आप कौन सी बाय करते, ब्रेजा बाय करते या फ्रॉन्क्स बाय करते। मैंने अपनी आपको राय बता दी है कि आप, मैं तो फ्रॉन्क्स बाय करता। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पे फॉलो कर देना।